नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मेरे साथ इस कार्यक्रम में सहयोगी है मेरी। बिल्कुल, और संकेत जिस तरह के हैं वीरेंद्र, कम से कम एक चीज़ अच्छी है कि आज अच्छी ओपनिंग की तो उम्मीद है ही। एशियन क्यूज़ को भी अगर आप देखें जिस तरह के संकेत हैं, या फिर यूएस फेड की कमेंट्री जिस तरह की थी, देखिए कई बार बाजार में क्या होता है कि मार्केट नियर टर्म व्यू लेता है, और वही आज मार्केट में प्ले आउट होते हुए दिखा है ग्लोबल मार्केट्स में। अब देखिए, यूएस फेड ने जो जीडीपी का अनुमान है उसे घटाया, साथ ही ये भी कह दिया कि जो रेट हाइक्स हैं, पहले हम उम्मीद कर रहे थे 4 हो पाएंगे, लेकिन अब लगता है 2 ही कर पाएंगे। फंडामेंटली अगर आप देखें तो ये खबर कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है फंडामेंटली, लेकिन आप इसका इम्पैक्ट देखिए ग्लोबल मार्केट्स पर, क्योंकि इसके चलते बाजार आश्वस्त हुआ है कि लिक्विडिटी बनी रहेगी और जो रेट हाइक्स है वो कम होंगे, डॉलर जो है उसका सर्ज भी रुकेगा। अब देखिए जो डॉलर का मूव आज ग्लोबली भी देखने को मिला है, अच्छा सर जी, 6690 की ट्रेजेक्ट्री में आप देखें भारतीय रुपये खुला है, तो अच्छी ओपनिंग है यहाँ पर। एक बार मैं रुपए के इशू को छोड़ के, देखिए ये एग्जैक्टली होना था, ये बहुत एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज नहीं है, याद रखिएगा, इट वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड लाइंस में है। लेकिन निफ्टी आप देखिए करीब 7487, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी ये वास्तविकता से काफ़ी दूर है। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा छन के आप देखें, और आंकड़े आ रहे हैं 6 अंकों पर निफ्टी, और इसके अंदर रिलायंस को देखिए बैकफुट पे, केन इंडिया करीब करीब 14 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है 163 के स्तर पे, और देखिए केन इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है स्थिति का, क्रूड का ऊपर आना, पेट्रोल डीजल प्राइसेस का हाइक होना, उसके बाद देखिए बजाज ऑटो करीब 11 रुपये ऊपर, कल के अगर आप देखें एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट के बाद काउंटर ऊपर आया है। ITC आज ये मेरा अगर आप देखें आई थिंक एज पर द टेक्निकल्स एज पर द ऑप्शन स्टेटिस्टिक्स सबसे बेहतरीन स्टॉक है। हीरो मोटर कॉर्प करीब 26 रुपये ऊपर 2825 के दर पे कारोबार कर रहा है, और एक्चुअल बैकफुट पे 4 रुपये नीचे, और टाटा पावर ये करीब 58.95 के स्तर पे, बैंक ऑफ बड़ौदा 146 के स्तर पे। आज एक फीलिंग ये भी आ रही है कि बैंकों में थोड़ी तेजी बनी हुई है, एशियन पेंट्स 8.78 के स्तर पे, कल नमूरा ने इसे डाउनग्रेड किया था, उसके बाद अगर आप देखें स्टॉक टूटा, लेकिन आज फिर पुल बैक, और लार्ज कैप आईटी में इंफोसिस लगभग 1.5 रुपये ऊपर कारोबार करता हुआ, TCS बिल्कुल शांत इस वक्त बिहेव। जी हाँ बिल्कुल, इस बीच आज जो रुपी सेंसिटिव स्पेस है ना, इस पर नजर रखनी पड़ेगी, बिकॉज आप देखिए शुरुआत में ही, ओपनिंग में ही जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है वो 32 पैसे की है, और ये मनी मार्केट के हिसाब से देखा जाए, करेंसी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा गेन है, 66.90 पर रुपए की ओपनिंग। बिल्कुल, और इनफैक्ट ये उस स्थिति का भी अगर आप देखें, आई मीन हम सब मान के चल रहे थे कि अगर इस साल 4 रेट हाइक्स होते तो एग्जैक्टली इमर्जिंग मार्केट्स पे फ्लो का क्या इम्पैक्ट पड़ता, वहां की लिक्विडिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता, और अब क्योंकि 2 ही हाइक होंगे, और आप ये भी देखिए कि 16 किलो ने अपना जो जीडीपी आउटलुक है उसको भी ट्रिम किया है। बिल्कुल, तो सर्कमस्टेंसेस उन्होंने सब कुछ देखे हैं, हर तरफ देखे हैं, और बेसिकली वही है कि जो लिक्विडिटी फ्लो है वो जारी रहेगा, और ये बाजार एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे सबसे ज्यादा चिंता लिक्विडिटी की होती है, एग्जैक्टली लिक्विडिटी आना और रुपए का ग्राफ तेज हो जाना, ये एक सकारात्मक पहलू है। खैर, इनफैक्ट अभी इंडिकेटिव एक्शन आपकी स्क्रीन पर भी है, अंचल के बाद चलते हैं, एग्जैक्टली अगर आप देखें कुछ फ्रेश हाउस व्यूज जो आए उनको जानने की कोशिश करते हैं। अंचल गुड मॉर्निंग, बताइए आज किन किन स्टॉक्स पे फ्रेश हाउस व्यूज आए हैं। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आप जब कर रहे थे ITC की, उस पर भी एक हाउस व्यूज है, लेकिन शुरुआत कैडिला से करेंगे। CLSA ने कैडिला के ऊपर नई रिपोर्ट जारी की है, और अंडर परफॉर्म की रेटिंग तो फिलहाल दी है, और लक्ष्य दिया है 346 का। चिंता सबसे बड़ी वही है कि जो मुरैया प्लांट को लेकर इम्पोर्ट अलर्ट जारी हुआ था वो काफ़ी बड़ी टेंशन की बात है, उसे सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी कंपनी के HCQS हैं वो सारे मुरैया प्लांट से निकलते हुए दिखते हैं, और इस HCQS की कुल मुनाफे में करीब 23% की योगदानी है। तो अगर ये इम्पोर्ट अलर्ट नहीं ठीक किया कंपनी ने, इसको करेक्शन नहीं की, तो ये इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म में आता हुआ दिखेगा। साथ ही CLSA ने OMCs के ऊपर भी अपना एक रिपोर्ट जारी की है, जो जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उसके बाद ये रिपोर्ट आई है, साफ तौर पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। IOC, BPCL, HPCL तीनों ही शेयरों में खरीदारी की सलाह है, अच्छे रोबस्ट GRM देखने को मिलेंगे Q4 में, ऐसा CLSA का मानना है। इसके अलावा जो कंपनी ने हाल में 4-5% की बढ़ोतरी की है दामों में, वो भी काफ़ी सकारात्मक है आगे आने वाले दिनों के लिए। ITC जैसे कि मैं बात कर रहा था, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने ITC पे एक फ्रेश रिपोर्ट जारी की है, बाई की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट दिया है 393 का। दो तीन सेगमेंट्स है, पहला तो इन्होंने कहा है जो पतंजलि के लॉन्च होने से ITC पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता हो दिखेगा, क्योंकि अभी भी इसका सबसे ज़्यादा मुनाफा, जो सबसे बड़ा योगदान है वो सिगरेट कारोबार से। जहाँ तक बात रही सिगरेट कारोबार की, FY17 में ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि 2% तक वॉल्यूम्स बढ़ती हुई दिखेंगी सिगरेट कारोबार की, और वहीं कंपनी जल्द ही दाम बढ़ा सकती कुछ सिगरेट्स के, स्पेशली किंग साइज सिगरेट्स के दाम बढ़ाती हुई दिखेगी, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है ITC के लिए आने वाले दिनों में। इसके अलावा मदरसन सुमी के ऊपर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है, बाई की रेटिंग दे रहे हैं,
342 का टारगेट है। यूरोप में ऑटो बिक्री बढ़ रही है, उसका सीधे तौर पर फायदा मदरसन सुमी को आता हुआ दिखेगा, ऐसा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मानता है। और लास्टली SBI के ऊपर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट थोड़ा सा बढ़ा है, 105 से बढ़ा के 120 जरूर किया है, लेकिन अभी भी एसेट क्वालिटी चिंता का विषय, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। बिल्कुल, चलिए तो इस पर नजर रख सकते हैं। इस बीच हमारे साथ इस समय कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, संजीव भसीन हमारे साथ हैं, मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज ओपनिंग जिस तरह की हुई है मयूरेश, प्री ओपन टिक्स आप देखिए, स्ट्रेंथ है अक्रॉस द बोर्ड, एशियन इंडाइसिस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, रुपए पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, लुक एट द वे डॉलर हैज मूव्ड, खुलने के बाद से अभी तक में ऑलमोस्ट 38 पैसे का गेन रुपए पर देखने को मिला है। ये सबसे मजबूत ओपनिंग में से एक है जिस तरह से बिहेव कर रहा है, और इनफैक्ट 2016 के सबसे मजबूत ओपनिंग में से एक है। आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? नहीं, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, जो फेड स्टेटमेंट्स आई हैं क्लियरली डविश इंडिकेशन है, जो उन्होंने रेट हाइक्स दो की हैं चार से, फंडामेंटली एज यू राइटली पॉइंटिंग आउट, कहीं ना कहीं यही पॉइंट आउट हो रहा है कि GDP कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, बट यू आर नॉट पॉइंटिंग आउट टू रिसेशनरी ट्रेंड्स। हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से जो रिस्क ऑन रैली है टुवर्ड्स इक्विटी एज अ रिस्क एसेट क्लास वो जारी रह सकती है, एंड विद इन दिस रेंज इटसेल्फ मुझे लगता है इक्विटी मार्केट्स विल कंसोलिडेट विद अ हायर बायस। तो क्लियरली आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखना बहुत जरूरी होगा। सेकेंडली आई थिंक जो गवर्नमेंट का फोकस रहेगा स्पेसिफिकली, आई थिंक जैसे रूरल स्पेंडिंग की हम बात कर रहे थे, जितना उन्होंने रोड्स एंड हाईवेज पे का आउटले बढ़ाया है, मुझे लगता है आई थिंक इफ मॉनसून आर मच बेटर जैसे अनुमान आ रहे हैं, रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अलॉन्ग विद आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स ऑन दी EPC एंड दी रोड्स एंड हाईवेज साइड, ये बहुत बेनिफिशरीज रह सकते हैं। सो आई थिंक दीज टू सेक्टर्स प्राइमरली आई विल बी वॉचिंग आउट फॉर। जी आज अगर आप देखें इंडिकेटिव एक्शन में कमोडिटी स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी हरियाली है, उन पर बात मैं करूंगा, लेकिन एक बार ये भी जान लेते हैं कि आज फास्ट मनी के हमारे इस खास कार्यक्रम में कौन सी 20 कॉल्स दी गई है, आइए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यू मास्क ट्रेड में खरीदारी कीजिए, एक अच्छे मोमेंटम में शेयर है, 83 रुपये का आपको लक्ष्य रखना होगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करने के सलाह होगी, 2575 रुपये का आज टारगेट होगा। NCC में खरीदारी कीजिए, अच्छे संकेतों के दम पे आज इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, 74 रुपये का आपको टारगेट रखना होगा। कैस्ट्रोल में खरीदारी कीजिए, पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि LIC ने इस कंपनी पर भरोसा जताया, इसके करीब 225,000 शेयर खरीदे हैं, 382 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। इंडिया बुल्स रियल में खरीदारी करने की सलाह होगी, आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकता है। इसके अलावा SKS माइक्रो फाइनेंस में खरीदारी की आज के ट्रेड में, यहां भी एक तेजी देखने को मिल सकती है, जिस तरह सरकार ने बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर और ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ाया है, वो SKS माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव ट्रिगर है, आज के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी, 540 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। कल्याण स्टील सेक्टर को जिस तरह से राहत दी गई है, अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है, 157 रुपये का टारगेट होगा। टाटा केमिकल में खरीदारी की 362 रुपये का लक्ष्य होगा, 50 डे मार्क ऊपर आकर यह बंद हुआ, लेकिन जेट एयरवेज में आज के ट्रेड में बिकवाली करने की सलाह होगी, थोड़ा एग्रेसिव कॉल होगा, शेयर को खुलने तो उसके हिसाब से फिर अपने टारगेट स्टॉप लॉस को रिवाइज करें। इसके अलावा बतौर सुपर हिट सर आज के लिए मैंने उत्तम गालबा को उतारा है, 30 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। मैंने आपको 10 के 10 पे आज के लिए खरीदारी के बताए थे, ऑयल एंड गैस शेयरों के साथ मैंने शुरुआत करी थी, केन इंडिया और उसके साथ साथ सेलेना एक्सप्लोरेशन, डॉल्फिन ऑफशोर, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल कच्चा तेल जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में चढ़ा है उसका इंपैक्ट आज ऑयल एंड गैस प्ले पर देखने को मिलेगा, और शायद आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। इसके अलावा बैंक्स, कर्नाटका बैंक जिस तरह से अब रेट कट की होप्स काफी ज्यादा बढ़ गई है RBI की ओर से, उसका इंपैक्ट मिड कैप प्राइवेट बैंक्स में साफ तौर पर देखने को मिलेगा, और ये हाई मीटर नेचर का बैंक है, 100 रुपये का टारगेट लेकर खरीदारी करें। बतौर EPS मैंने नौसिल को उतारा था, आज के लिए 52 रुपये का टारगेट होगा। इसके साथ साथ मेटल पे भी काफी अच्छी तेजी आज देखने को मिल सकती है, सेल जो कि HR कॉइल्स बनाती है, कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की बात वहां पर चल रही है, उसका फायदा सेल में आज देखने को मिलेगा, खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा हाई बीटा नेचर में BHEL और साथ ही साथ HDL एक रियल एस्टेट प्ले है, जिसमें आज आप खरीदारी कर सकते हैं, केवल इसलिए कि अच्छे संकेतों के दम पे एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। HPCL जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस डिवाइस हुए ऊपर की, और उसका फायदा इस काउंटर में देखने को मिलेगा। और बतौर सुपर हिट मैंने ऑर्किड फार्मा को उतारा, 2 दिन से पिटाई हो रही फार्मा स्पेस की, आज एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, 42 रुपये का टारगेट लेके ऑर्किड फार्मा में खरीदारी करें। तो ये आज की हमारी फास्ट मनी पिक्स थी, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर इस समय आप देखिए, SGX निफ्टी 7600 के ऊपर है, और आज जो मजबूती रुपए पर देखने को मिल रही है, 13 जनवरी के बाद की सबसे बड़ी मजबूती है, और ओपनिंग बेसिस पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मूव भी देखने को मिल रहा है। इसका क्लियर इम्पैक्ट आज अक्रॉस द बोर्ड, राइट फ्रॉम बैंकिंग स्पेस
टू आईटी स्पेस सब जगह देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मिस्टर पारस लाखानी समय मौजूद हैं पिनेकल फॉरेक्स के। क्विकली पारस, मॉर्निंग टू यू। क्विकली, रुपए पर अब आप क्या ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हैं? बिकॉज आज तो चलिए ग्लोबल मूव है, डॉलर जिस तरह से ग्लोबली बिहेव कर रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? एज एक्सपेक्टेड यूएस फेडरल रिजर्व ने बताया कि चार रेट हाइक तो नहीं, दे हैव गिवन इंडिकेशन से शायद दो रेट हाइक होंगी इस साल। तो उस हिसाब से डॉलर में सॉफ्टनेस दिख रही है और अपना रुपी भी अप टू 31 मार्च 66.50-67 के रेंज में रह सकता है। ओके राजी साहब, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखें जो रेट कट को रेट्स को लेकर उन्होंने आउटलुक दो साल का शेयर किया है, माफ कीजिएगा, और साथ ही साथ जो जीडीपी आउटलुक उन्होंने दिया है दो साल का, अब जो ट्रेजेक्ट्री उन्होंने डिफाइन की है, क्या ये रुपी को कंफर्ट देगी? और इस कंफर्ट में अगर रुपया एक बार 66 और 65-50 की ट्रेजेक्ट्री में फिर चला जाए तो कोई बहुत बड़ा चम्मा नहीं होगा, क्या कहते हैं आप? इतना बड़ा एप्रिसिएशन नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। आरबीआई रिजर्व बिल करेगी अगर जो 650 में काफी अच्छे लोग आ रहे हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि वहां पे आरबीआई रिजर्व बिल करेगी। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और रुपए पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। इस बीच अगर आप देखें आईटी सेक्टर को देखते हैं, देखिए रुपए की मजबूती और आईटी का एक इन्वर्स अगर आप देखें रिलेशन है, अच्छा नहीं मानता अगर आप देखें बाजार इसको। हालांकि इन्फोसिस इस वक्त भी 4 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन अगर आप बाजार की तेजी के अनुपात में देखें तो शायद ये तेजी उतनी नहीं है अब तक तो स्क्रीन पर लगभग। लार्ज कैप आईटी पर आपका अनुमान क्या है मयूरेश? अभी हमने आज अपने डिस्कशन का बहुत बड़ा पार्ट शायद मिड कैप आईटी पे फोकस किया है, लेकिन लार्ज कैप आईटी पे मयूरेश आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, आई थिंक एक लंबे नजरिए से हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है लार्ज कैप आईटी पे। दो मुख्य कारण हैं, जैसे हम क्लाइंट माइनिंग एक्टिविटीज देख रहे हैं लार्ज कैप आईटी कंपनियों के विद इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर्स इंडिकेटर, बीएफएसआई हो, लाइफ स्पेसेस हो, लाइफ साइंसेज हो, रिटेल हो, मुझे लगता है वहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। एंड इन टर्म्स ऑफ देयर डील्स आई थिंक डील विंस काफ़ी अच्छे हैं। उदाहरण के तौर पर एचसीएल टेक जिसने $1 बिलियन के टीसीवी डील्स हर क्वार्टर जीते हैं। दूसरी बात, आई थिंक जो इबिट मार्जिन्स पे काम करते हैं और यूटिलाइजेशन लेवल्स अक्रॉस एम्प्लॉयज जो है ऑनशोर ऑफशोर अगर हम कंबाइन और ब्लेंड करें, कहीं ना कहीं देयर इज इम्प्रूवमेंट एंड स्कोप ऑफ दिस नंबर एक्चुअली गोइंग अप। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कैश पोजिशन पे ये बैठे हैं, जितने रिटर्न रेशियोज ये जनरेट करते हैं, मुझे लगता है ओवर द नेक्स्ट 2-3 quarters एक डेफिनेट पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। रूपी प्रॉब्ली आई थिंक द अप्रिसिएशन बट यू आर सीइंग एक हेडविंड बनता है, लेकिन इनकी जो हेजिंग पॉलिसी होती है आई थिंक इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट जरूर आता है इवन इफ रूपी अप्रिशिएट्स और डिप्रिशिएट्स, बट आई थिंक दैट इज टेकन प्रॉब्ली इन टू द नंबर्स वेन वी आर प्रॉब्ली डूइंग द एनालिसिस। सो मेरे हिसाब से आई थिंक एक लंबा नजरिया हो तो लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे शेयर्स आई थिंक बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। चलिए, इस बीच मानस भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मानस, एक तो मेटल स्टॉक्स, इस पर आपकी सलाह क्या है? आज जो खबरें हैं उसके बाद ऑब्वियसली मेटल स्पेस पर नजर रहेगी और हो सकता है एक अच्छा खासा ट्रेडिंग बाउंस यहाँ पर क्रिएट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे हो, ये ट्रेडिंग बाउंस हो सकता है सस्टेन भी करे। आप कैसे प्ले करेंगे इसे? देखिए, मेटल स्पेस की अगर बात करिए तो शायद निफ्टी के बॉटम बनाने से पहले ही हमें मेटल स्टॉक्स में अब शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ दिखा था, और उसके बाद हमने एक स्मार्ट रिकवरी भी देखी, और अभी भी ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में अगर हम 1-2 months की बात करें तो शायद मेटल में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उस लिहाज से दो स्टॉक मेरी नज़र में, पहला तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हिंडालको के बारे में, जहां पर हमें कल करेक्शन देखने को मिला है, बट ऐसा लगता है कि ये करेक्शन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पोटेंशियल की बात करिए तो 90 रुपये तक के पोटेंशियल दिखते हैं और 74 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। दूसरा स्टॉक टाटा स्टील का रहेगा, जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स करीब करीब 220 रुपये से बन रहे हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो वहां पर बहुत ही क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन देखने को मिला है। तो पोटेंशियल तो यहां पर कम से कम 350-360 तक का लगता है, बट जिस तरह की रैली हमने पिछले दिनों देखी है, मैं समझता हूँ करेक्शन का इंतजार करें, 290-280 की रेंज में जब भी स्टॉक है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाए और अपने स्टॉप लॉसेस 265 के नीचे रखें। जी, इस बीच इंडिगो पर जो एक अहम खबर है उसके बाद संजीव आपकी राय चाहेंगे इंडिगो पर। हालांकि ये खबर पहले भी आई है, ऐसा नहीं कि पहली बार आ रही है, दैट यू नो कतर एयरवेज हिस्सेदारी खरीदने के लिए सोच रहा है, तो पहले एमिरेट्स का भी नाम आया था एक बार, लेकिन इंडिगो जिन लेवल्स से आके यहाँ पे सेटल हुआ था, इंडिगो पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी?
मेयर हमारे लिए एविएशन इज एन अवॉइड, हमने इसको अपसाइड पे भी नहीं पकड़ा था और डाउनसाइड पे भी नहीं, क्योंकि हमें लगता है जो क्रूड एक टेलविंड था वो अब हेडविंड है, और इंडिगो के पीआर मैनेजमेंट और साथ में ही जो उनके डिस्क्लोजर थे दे लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड. तो हमारे लिए एविएशन इज एन अवॉइड, देयर आर इनफ अदर सेक्टर्स जहां पे विजिबिलिटी और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी काफी है. तो एविएशन में बिकॉज रेगुलेटरी कंसर्न्स और क्रूड प्राइसेस विल ऑलवेज बी अ यू नो लिटिल बिट ऑफ अ वॉलेटिलिटी, हम कहते हैं हमारे लिए ये सेक्टर ही अवॉइड है. इस बीच आप एक और स्टॉक देखिए, एच सी एल इन्फो सिस्टम, आज सुबह इनफैक्ट इसमें निगेटिव एक्शन में पूल दिखाई दे रहा है. कल आपको याद होगा लेटर हाफ में कल क्या तेजी थी, और स्पेशली अंतिम बाजी के आसपास अगर आप देखें आज भी करीब करीब 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है. कुछ देर में बाजार खुलने वाला है, और कुछ स्टॉक्स पर आप देखें जिनमें इंडिकेटिव एक्शन में काफ़ी अच्छी तेजी है उसमें एच डी एल भी शामिल है. एच डी आई हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ पूरे रियल स्टेट स्पेस इस बास्केट पर भी आज नजर रखेंगे. खैर बाजार खुलने वाला है, आपकी स्क्रीन पर आप देखें निफ्टी ऑलमोस्ट इस वक्त करीब करीब अगर आप देखें तो इस वक्त 1% ऊपर 7564 की ट्रेजेक्ट्री में, जी हाँ इस ट्रेजेक्ट्री में खुला है. याद रखिएगा स्टॉप लॉस के तौर पे 7520 बहुत महत्वपूर्ण लेवल था, शुरुआत में उतने बड़े गेंस नहीं है एज पर द एसजेएक्स निफ्टी. अगर आप देखें लगभग 7569 7571 वी आर हेडिंग टूवर्ड 7580. याद रखिएगा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके बेहद नजदीक हम है. वेदांत अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर लगभग 3 रुपए ऊपर 90 के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं. कमोडिटीज पर आप देखें तेजी है, केन इंडिया ये करीब 4.5 रुपए ऊपर है. उसके बाद अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक 233 के स्तर पर, गेल करीब करीब 350 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ, हिंडाल को करीब 83 पर डे हाई पर कारोबार कर रहा है, पीएनबी करीब 84.55 पे ये गेनर्स की लिस्ट अगर आप देखें सबसे ऊपर है. उसके बाद टाटा स्टील मेटल्स में अगर आप देखें अच्छी तेजी लेकर कारोबार करता हुआ 305 के स्तर पर 5.60 रुपए ऊपर, और साथ ही साथ बीपीसी अगर आप देखें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद ये भी स्टॉक काफी अच्छी तेजी के कारोबार कर रहा है. तो यहाँ पर आज कमोडिटीज की अगर आप देखें मिहिर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आज गेनर्स के बीच में. टाटा मोटर्स लगभग 365 के स्तर पर 6 रुपए पर कारोबार कर रहा है, और साथ ही साथ बैकफुट पे खड़ा है एनटीपीसी करीब करीब 127.35 पर. लॉसेस बहुत नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप देखें आज लाल निशान में इसका खड़ा होना. आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग बास्केट जिसमें कल काफी अच्छी तेजी थी आज 6.5 रुपए ऊपर में ही लेड बाय बैंक्स ओनली. आज आप देखिए जिस तरह की तेजी आईसीआईसीआई एसबीआई पर है बिकॉज ये इंडेक्स को भी ऊपर पुश करता है. 7572 पर निफ्टी कंफर्टेबली इस समय क्रूज करते हुए, एंड क्लियरली जो 7600 है वो रेडार पर. लेकिन बैंक निफ्टी को आप देखिए, निफ्टी बैंक ये कल दोपहर में क्लोजिंग के एक घंटे से लेकर अभी तक आप देखिए ये जो इसकी लीडरशिप है उसे बरकरार रखते हुए 1.25% की तेजी निफ्टी बैंक पर इस समय देखने को मिल रही है, 15600 के पार ये ट्रेड करते हुए. अब नजर डालते हैं आईटी स्टॉक्स पर. आज जिस तरह का मूव रुपए पर देखने को मिला है, अगर और गिरावट और जो डॉलर है उसमें कमजोरी बढ़ती है तो आई थिंक ये एक ऐसा स्पेस होगा जिसे वॉच करना होगा. हालांकि यहाँ पर जो मिड कैप स्टॉक्स हैं आईटी में उनकी अपनी अलग ही स्टोरी है, जो कंसोलिडेशन की थियरी है वो वहाँ पर प्ले हो रही है. सो लुक एट ज्योमेट्रिक, लुक एट एम्फेसिस, लुक एट माइंडट्री, इन सबको अगर आप देखेंगे तो उनका मूव अलग है. इंडिगो पर कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है, कतर एयरवेज हिस्सा खरीदे ना खरीदे, लेकिन जैसे अभी संजीव भी कह रहे थे कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए इस खबर पर. 1% ऊपर इंडिगो बेली इस समय ट्रेड करते हुए. और एक स्पेस जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए बिकॉज इंडेक्स को अगर 7600 के पार ले जाना है तो ऑब्वियसली आपको फोकस करना पड़ेगा हैवी वेट्स पे. सो आईटीसी और रिलायंस इस पर नजर रहेगी बिकॉज अल्टीमेटली एक लेवल से ज़्यादा अगर आपको पुल करना है इंडेक्स को तो फिर इन स्टॉक्स को आपको ऊपर खींचना पड़ेगा. रिलायंस करीब 1% ऊपर, आईटीसी इस समय 1/4% ऊपर, बट वॉच इट क्लोजली. अब कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए. एक तो मेटल स्पेस पूरा 1.5% ऊपर, टाटा स्टील इस समय सेल करीब 1.5% ऊपर है. बाकी जो मेटल स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी. कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी देख लेते हैं. केन इंडिया को आप देखिए, केन इंडिया पर ठीक रुझान देखने को मिल रहा है, करीब 3% ऊपर केन इंडिया है. और कुछ काउंटर्स में सिलान एक्सप्लोरेशन, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, HPCL, BPCL इन स्टॉक्स पर नजर रखिए. उषा मार्टिन यहाँ पर हम इनफैक्ट कल बात भी कर रहे थे वीरेंद्र उषा मार्टिन के लेकर कि ये जिस तरह का मुंह दे रहा है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो ऐसे ऐसे प्रो ने यहाँ पर जो हिस्सा खरीदा है उसके बाद इस काउंटर पर अच्छा मुंह देखने को मिला है. ऑब्वियसली आज जब आप ज्योमेट्रिक को या फिर एम्फेसिस को अवॉइड नहीं कर सकते. स्टॉक ऑफ द डे को देखिए इस बीच 11% ऊपर जी बिजनेस की रिकमेंडेशन स्टॉक ऑफ द डे इन्फिनिट कंप्यूटर्स आज करीब 11% ऊपर बाजार खुलने के बाद इस समय ट्रेड करते हुए 223 के लेवल पर इन्फिनिट कंप्यूटर्स करीब 11%. तो जो टारगेट इस पर दिया गया था वो हिट हो चुका है. जो टारगेट यहां पर था वो 220 का था, उससे सरपास करके उसके ऊपर होल्ड करते हुए काउंटर 223 का लेवल इन्फिनिट कंप्यूटर्स पर इस समय देखने को मिल रहा है. ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव है. आप क्या कहेंगे संजीव आज की ओपनिंग पर?
वेल देखिए, इसमें जो कवरिंग आएगी वो ज्यादातर शॉर्ट से आएगी क्योंकि आपके पास मौका ही नहीं मिला. आपने 7400 के नीचे एक दिन नहीं क्लोज करा और जो पेसिमिस्ट थे या लेफ्ट आउट हैं वो आएंगे. साथ में जैसे आपने जिक्र किया, रुपी बिलो 67 नाउ विल एक्ट एज अ टेलमेंट क्योंकि आई थिंक एफआई फ्लोज और गैदर करेंगे स्ट्रेंथ क्योंकि दे आर इन द राइट डायरेक्शन. तो हमें यहां तक लगता है कि 7600 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए बिकॉज दैट वुड बी द टॉप एंड ऑफ द रैली. लेकिन वी कैन नॉट यू नो डिटरमिन क्या फ्लोज है और कैसे लोग बाग की न्यू डायरेक्शन है क्योंकि रुपया बॉन्ड यील्ड्स ऑल्स और ये एक सुझाव के आरबीआई 25 से 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट कर सकती है अप्रैल में, ये सारी मोमेंटम को ऐड करेंगे. प्लस उसके साथ हो गया ग्लोबल फ्लोज और जैसे आपने कहा मेटल्स में जो रैली है वो एक न्यू पीक की तरफ जा रही है जो और कॉन्फिडेंस दे रही है इन द ग्लोबल सेटअप. इस बीच आप बीपी शेयर को देखें 844 पर लगभग 3% ऊपर, क्या शानदार तेजी है. और ये भी अगर आप देखें, अब लोअर एजेस से निकल के बाहर आ चुका है, मतलब एक नीचे जोन बना हुआ था जिस क्लस्टर से बाहर निकल के नहीं आ रहा था. मानस इनफैक्ट मयूरेश, बीपीसीएल क्रूड के प्राइसेस में जो पुलबैक आया है और जिस तरीके से आई थिंक अब वो कहीं ना कहीं पुलबैक जो है वो पास ऑन हो रहा है आम जनता को भी. कल दाम फिर बढ़ाए गए हैं पेट्रोल डीजल के, ये बीपीसीएल के लिए एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है. अभी आप एक बार फिर से वो स्टॉक जो कि अगस्त में आपको 1000 रुपये में मिल रहा था आज 846 में मिल रहा है, बीच में 725 का लो भी लगाया, एंटर करना चाहेंगे आप ओएमसीज में? सिलेक्टिव रहूंगा वीरेंद्र जी, और क्लियरली आई थिंक बीपीसीएल की स्टोरी आई थिंक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है. अगर हम देखें उनकी जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ हैं, जो उनके एक्सप्लोरेशन एसेट्स हैं, ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म वैल्यू ऐड करेंगे और इक्विटी को आई थिंक एनहेंस करेंगे. हावेवर आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक विद इन दिस स्पेस इट्सेल्फ IOC इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू टू लाइक. जैसे इन्होंने पारादीप का कमीशनिंग किया है, इसकी नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इज अराउंड 12.2 जो काफ़ी अच्छी है. और मुझे लगता है जैसे क्रूड का थ्रूपुट प्रोसेस करेंगे विद एनहेंस कैपेसिटीज, इनकी जो GRMs है विद ऑब्वियस इंडिकेशन ऑन हाउ क्रैक्स हैव बीन, गैसोलीन हो नाफ्ता हो, दैट इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो यस आई थिंक BPCL पे एक लॉन्ग टर्म होल्ड की सलाह बिल्कुल रहेगी, बट यू हैव टू पिक एंड चूज. आई थिंक IOC एक बहुत बढ़िया शेयर रह सकता है. बिल्कुल. चलिए इस बीच अब एक नजर डालते हैं फार्मा स्टॉक्स पर. ये रेडार पर रहे हैं पिछले दो दिनों से, राइट फ्रॉम हैवी वेट्स टू मिड कैप्स टू स्मॉल कैप्स. इन सारे स्टॉक्स पर जिस तरह का रुझान हमने देखा है, अब देखिए ग्लेनमार्क फाइनली बादल छटे हैं तो इस काउंटर पर अच्छा मूव, ये करीब 0.5% ऊपर इस समय 833 पर. लेकिन बाकी स्टॉक्स को भी आप देखिए यहाँ पर अच्छा रुझान, ल्यूपिन करीब 1752 के आसपास. मानस, आर वी डन विद द वीकनेस फार्मा स्टॉक्स में? नहीं, मैं समझता हूँ कि फार्मा में अब बहुत सिलेक्टिव होने का टाइम है क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी डाउन ट्रेंड में हैं, बट कुछ स्टॉक्स ने बॉटम आउट पैटर्न दिखाए हैं. स्पेशली डेनमार्क की बात करेंगे जहाँ पर मेरे ख्याल से 700 के आसपास बॉटम बने थे, हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुआ. स्टॉक ने कल एक करेक्शन जरूर दिखाया था बट 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से रिकवरी देखने को मिली है. पोटेंशियल यहाँ पर अभी भी 890 और 900 रुपये तक का है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 814 के नीचे लगाने चाहिए जी. इस बीच थोड़ा सा अगर आप देखें, मैं मिड कैप में चलता हूँ, मिड कैप में और इनफैक्ट स्मॉल कैप में वो स्टॉक्स जो कि काफ़ी तेजी दिखे हैं, आलोक इंडस्ट्रीज कल भी तेज था, आज भी लगभग 5% ऊपर छोटे स्टॉक्स में. आपको याद होगा कल हमने एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया था, 20 रुपये से नीचे और 20% की तेजी लेकर, वैसे स्टॉक्स की कैटेगरी कल ही शामिल था. उसके बाद देखिए आप बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, इसमें शानदार तेजी है. PPCL का जिक्र मैं कर चुका हूँ, केयर इंडिया का जिक्र मैं कर चुका हूँ. आप देखिए सेंचुरी एंकर, ये करीब 5% ऊपर 8 रुपये की तेजी लेकर ऑलमोस्ट डे हाई पे खड़ा हुआ है स्टॉक, इस पर भी नजर रखिएगा. उसके बाद आप और देखिए कुछ स्टॉक मिड कैप फार्मा में ही, डिशमैन 3% की तेजी लेकर, अच्छी तेजी लेकर लगभग 10 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है. एस्कॉर्ट्स में 3.25 रुपये की मजबूती है, 3% की माफ कीजिएगा, अच्छा मूव लेके जरा प्लीज एस्कॉर्ट्स दिखाइए एक बार. एस्कॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पर लगभग 133-130 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. फिर आप देखिए एक और छोटा स्टॉक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज 4.5% ऊपर कारोबार करता हुआ लगभग 80 की ट्रेजेक्ट्री में. मानस, इनमें से कोई ट्रेड आपके जहन में आता है? देखिए जहाँ तक बात ऑटो स्पेस की है, उसमें सबसे बेहतरीन स्टॉक, सबसे बेहतरीन चार्ट तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड के हैं. ये जरूर है कि स्टॉक 99 के आसपास काफ़ी समय से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये 99 के लेवल भी ब्रेक होंगे, स्टॉक कहीं ना कहीं 110-115 की रेंज में आएगा. बट अगर ट्रेडिंग की बात करिए तो मैं समझता हूँ ट्रेडिंग में एस्कॉर्ट्स एक शार्प अप मूव दे सकता है.
पॉसिबल है स्टॉक अपना 100 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 143 के आसपास है उसको टेस्ट करने की कोशिश करें। तो अगर ट्रेडिंग का नजरिया है प्योर ट्रेडिंग का तो बिल्कुल 128 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, बट अगर आपका नजरिया थोड़ा सा बड़ा है तो मैं समझता हूँ अशोक लेलैंड ज़्यादा अच्छी चॉइस है। बिल्कुल, चलिए इस बीच मिड कैप के कुछ हैवी मूवर्स को देख लेते हैं जहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज राजेश एक्सपोर्ट्स यहाँ पर 4.25% का मूव है, एम्फेसिस ये करीब 3% ऊपर है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 2.5% ऊपर है, पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर करीब 2% का मूव है, NCC 2.25% ऊपर है, इंडियन ऑयल, रिलायंस कैपिटल, HPCL इन पर मूव है, NHPC, सिंटेक्स और वोल्टास ये करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, GSK हेल्थ केयर 1.5% ऊपर है, IDBI, इंडियन होटल्स, जुबिलेंट फूड वर्क्स, आरकॉम, SKS माइक्रो फाइनेंस, ऑयल इंडिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कैनरा बैंक, अदानी पावर ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिन पर मूव अच्छा देखने को मिल रहा है। वोल्टास पर मयूरेश आपकी सलाह क्या होगी? नहीं, एक एक्युमुलेटर रेटिंग बिल्कुल जारी है मीर जी, और जैसे हमने देखा है इनकी जो EMP सेगमेंट है इसके जो लेगेसी ऑर्डर्स थे जो कॉस्ट ओवरन्स हुए थे वो एक ड्रैग से बना था, लेकिन जो इनकी रूम एयर कंडीशनिंग मार्केट है जो यूनिटरी कूलिंग सॉल्यूशंस कहते हैं वहाँ पे अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर चुके हैं, और मुझे लगता है जो अर्निंग्स पोटेंशियल है ये काफ़ी अच्छी हो सकती है। अलॉन्ग विद दिस मुझे लगता है जो ब्लू स्टार इनके कॉम्पिटिटर है वो भी नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके आई थिंक जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट सोल्यूशन से जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन आती है 48% के आसपास आती है, EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 7.1%। तो मुझे लगता है आई थिंक ब्लू स्टार वोल्टा ये दोनों स्टॉक्स हमें पसंद है, बट लंबा नजरिया होना चाहिए इन्वेस्टर्स को। जी, फिर एक स्टॉक देखिए आप, राम की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में क्या ये स्टॉक रहा 77.15 के स्तर पे। बस इन साहब ट्रैक करते हैं आप इस स्टॉक को, राम की इंफ्रा को, कहां से 30 रुपए से चला ये स्टॉक 77 का हो गया आज? चलिए आप मैं इसमें तीन नाम लेना चाहूंगा, एक तो आप एक please, तो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन NCC वो एक आउट परफॉर्मर है स्टॉक में और अब वो अपने एसेट्स को बेचने के चक्कर में और मोनेटाइजिंग इस एसेट्स। दूसरा एक छोटा शेयर है जिसके हम ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी हमने पूरी रिपोर्ट नहीं, वो है MEP इंफ्रा, ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है इन द टोल ब्रिज एरिया और हमें लगता है टोल ब्रिज पे और रोड्स पे जितना एम्फोसिस दिया गया है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होएगा। और तीसरा मैं एक आपको शेयर कहना चाहता हूँ जो डार्क हाउस हमने निकाला था 56.57 पे, वो है शिपिंग कॉरपोरेशन। जिस तरह से गडकरी जी ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया और इनलैंड वाटर पे बहुत ज़्यादा दबाव दे रहे हैं, साथ में हमने देखा वरिंदर के बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स हैज स्टार्टेड टू शो अ ह्यूज अपटेक, इट हैज़ बॉटम्ड आउट। तो हमें लगता है शिपिंग कॉरपोरेशन पे सारे मुद्दे अच्छे हैं और हमें लगता है ये साल उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी साइड पे बहुत अच्छा रहेगा। 56.57 की हमारी रिकमेंडेशन है, 75 रुपये पहला पड़ाव होएगा और 100 रुपये अगर आप एक साल के लिए इसे रखने की चेष्टा करें। बिल्कुल, चलिए इस बीच रोज हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आते हैं जो कि आपके बजट में तो होते ही हैं लेकिन साथ ही आपको मुनाफा भी दिलाते हैं, शेयर आपके बजट में। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए सुमित। शुक्रिया मेहरा, जिस शेयर को चुना है वो IT स्पेस से ही है, मेडिकल IT की आज का फ्लेवर है और कंपनी का नाम है रोल्टा कंपनी, IT कंसल्टेंसी कारोबार के अंदर है और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि हायर लेवल से बहुत ज़्यादा टूट चुका है, करीब करीब 60% इसकी वैल्यू इरोड हो चुकी है, 100-150 रुपये के भाव होते थे और आप करीब 70-75 रुपये के भाव के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है। दूसरा, कंपनी के जो पिछले क्वार्टर के नंबर हैं उनको अगर आप देखें तो स्टैंड लोन बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 28% सिक्वेंशली बढ़ा है, ना केवल सिक्वेंशली बल्कि YOY बेसिस पे भी नंबर अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ा। कंपनी की जो बाकी सब्सिडरीज हैं वो थोड़ा सबड्यूड परफॉर्म कर रही है लेकिन हाँ वहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस अगर आती है तो एक कंपनी के ओवरऑल नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगा जो कि आगे चल के साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ कंपनी की वैल्यूएशन है, शेयर बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहा है और दूसरा अगर आप देखें तो IT स्पेस के अंदर महज 6 के मल्टीपल पर शेयर कामकाज करता हुआ 66 रुपये से 52 वीक्स लो हिट किया और वहीं पर इसकी वैल्यूएशन काफ़ी साउंड दिखाई पड़े। 6 के मल्टीपल पर स्पेस में कोई कंपनी नहीं है जबकि 20 से लेकर 21 के मल्टीपल पर पूरा सेक्टर कामकाज करता है तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी साउंड है। 13-14 रुपये के आसपास की EPS है, डिविडेंड यील्ड भी 4% के आसपास है, अच्छा डिविडेंड देती है और स्तरों पर एक अच्छा यील्ड भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे अहम चीज़ अगर सेक्टर में कंसोलिडेशन होता है और कोई भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है तो ये एक प्रबल दावेदार हो सकती है क्योंकि पहले भी यहाँ पे हिस्सा बिक्री को लेकर खबरें कई बार गर्म होते हुए दिखाई पड़ी। इन्हीं सब ग्राउंड्स को देखते हुए PL की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया है, करीब 85 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें और एक चीज सुमित जो आपने बताया उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, काउंटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है करीब 5.5% ऊपर रोल्टा इंडिया, आज शेयर आपके बजट में रिकमेंडेशन के साथ इस समय 5% से ज्यादा की तेजी, 78-60 का लेवल। लेकिन इसमें और एक चीज जो है
क्योंकि डिफेंस पर भारत में इतना फोकस है, मेक इन इंडिया पर इतना जोर दिया जा रहा है, ये जो डिफेंस खासकर जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, टैंक्स होती हैं, इनके लिए जो सिम्युलेटर्स बनाए जाते हैं जिस पर आर्मी मैन प्रैक्टिस करते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है और इनके कई जॉइंट वेंचर्स भी हैं। तो ये और एक चीज़ है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। रोल्टा इंडिया 5.5% ऊपर 79 पर। मानस सर शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। संजीव आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। TS हरिहर अब हमारे साथ जुड़े हैं। रोल्टा इंडिया आपकी स्क्रीन पर नजर रखिएगा, इस पर काउंटर करीब 6% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। हरी मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ यू नो अभी जो होने वाला है मार्केट में कि पहले जो लोग वेट कर रहे थे 7400 के नीचे मिलेगा तब हम ले लेंगे, यू नो दे वर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। Now suddenly market has timed itself and you are looking at 7600 and maybe even beyond that. अब ट्रेड कहां से करना चाहिए? नहीं मैं तो मानता हूँ कि जो बड़ा रिस्क था कि शायद ये FOMC का जो लैंग्वेज है वो बहुत हॉकिश रहेगा, आई थिंक वो रिस्क अभी नहीं रहा, बिकॉज FOMC का लैंग्वेज पहली बात तो काफ़ी डविश रहा है और दूसरी बात है कि उन्होंने काफ़ी लिक्विडिटी के संकेत दिए हुए हैं। तो आई थिंक ये दो इन दोनों बातों को मिला के मुझे लग रहा है कि शायद से जब 5 अप्रैल को RBI का पॉलिसी मीट होगा तब आई थिंक वहाँ पे भी डेफिनेटली एक रेट कट की उम्मीद की जा सकती है। मोस्ट लाइकली आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट्स तो हो ही सकता है। तो आई थिंक इन दोनों बातों को नजर रखते हुए मुझे लगता है कि शायद से द मार्केट इन माय व्यू ऑलरेडी मेड अ बॉटम एट 6850 ऑन बजट। तो आई थिंक बॉटम की तो अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो ये सवाल है कि यहाँ से और कितना डाउनसाइड है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड अभी नहीं होगा क्योंकि अब एक शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला शुरू होगा जिससे मार्केट में और अपसेट्स की उम्मीद की जा सके। तो आई थिंक यदि आप एक लॉन्ग इन्वेस्टर है खरीदना चाहते हैं तो शायद ये एक राइट लेवल है आपको एंट्री करने के लिए। चलिए इस बीच अगर आप देखें निफ्टी थोड़ा सा अगर आप देखें स्ट्रांग मूव लेने के बाद अपने आप को इस रेंज में स्थिर कर रहा है। हरी आई मीन आपने जो बात करी मैं निफ्टी का को इसलिए पॉइंट आउट कर रहा था यहाँ पर कि अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, बैंकिंग रहेगा या मेटल्स रहेंगे इस US कमेंट्री के बाद, फेड की कमेंट्री के बाद, या फिर थीम क्या होगी बाजार की, और अगर थीम बैंक्स ही रहेंगे तो हम बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करें या फिर निफ्टी पे ज्यादा फोकस करें इस वक्त? नहीं मेरे ख्याल से कुछ हद तक मेटल्स हो सकता है, लेकिन जैसे आप भी जानते हैं मेटल्स का उतना ज्यादा वेट नहीं है जितना बैंकिंग का है। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि शायद बैंकिंग यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है फॉर अ मार्केट टू ब्रेकआउट ऑन अपसाइड। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि बैंक निफ्टी पे फोकस करे या स्पेसिफिक बैंक्स पे फोकस करे, मेरे ख्याल से ये जो यहाँ से अपमूव की बात कर रहे हैं इसमें शायद दो तरह के बैंक्स चल सकते हैं। पहले तो जो बड़े बैंक्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं जैसे SBI है, जैसे ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौड़ा है, आई थिंक ये बैंक्स पे एक शार्प बाउंस की उम्मीद की जा सकती है। तो आई थिंक दैट इज़ वन स्पेस टू वॉच आउट फॉर। आई थिंक दूसरा जहाँ विद इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस सेलेक्ट बैंक्स है जैसे कोटक है, जैसे येस बैंक है, जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी है लेकिन अब भी वैल्यूएशंस में अपसेट बाकी है। तो आई थिंक ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इंस्टेड ऑफ बाइंग द बैंक निफ्टी आपको स्पेसिफिक बैंक्स पे फोकस करना और बेहतर होगा। बिल्कुल स्पेसिफिक बैंक्स पे फोकस करना चाहिए। इस बीच चलिए कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जहाँ पर आज काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स के साथ। एक तो है इंडो सोलर, ये करीब 14% ऊपर है। पेरिस शुगर आज भी 10% ऊपर है, 42.40 के लेवल पे ट्रेड करा। इन्फाइनाइट कंप्यूटर्स आज हमारी रिकमेंडेशन थी स्टॉक ऑफ द डे, ये करीब 10% ऊपर इस समय ट्रेड करा है। दीप इंडस्ट्रीज और एक काउंटर है जो कि 9% ऊपर और ठीक वॉल्यूम्स के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। उत्तम गैल्वा स्टील ये करीब 7.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। और रोल्टा जो अभी अभी हमने रेकमेंड किया था शेयर आपके बजट में, ये भी करीब 5.25% ऊपर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। मयूरेश आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा शुगर स्टॉक्स पर, आज पेरिस शुगर पर मूव है। अब इसमें एक्चुअली वी हैव सीन लॉट ऑफ चर्निंग, सो विद इन द शुगर स्पेस ऑल्सो डेली मार्केट 2-3 स्टॉक पकड़ के उसे ऊपर ले जाता है अपार्ट फ्रॉम द यूनिफॉर्म मूव जो देखने को मिला है। आपकी पिक कौन सी है यहाँ पर?
मीर जी, आई थिंक क्लियरली डायनेमिक समझने पड़ेंगे, और जितनी कैरी और इन्वेंट्री 9 मिलियन टन की आई थी ये शुगर सीजन में, जो प्रोडक्शन एस्टिमेट्स है 25.5 के हैं, डिमांड एस्टिमेट्स 24.5 के हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप मैंडेटरी के इसमें अकाउंट भी करते हैं तो द कैरी और इन्वेंट्री फॉर द नेक्स्ट शुगर सीजन विल बी क्लोज टू 6 to 7 million ऑट टन्स। हालांकि आई थिंक जो शुगर प्राइसेस में हमने मूवमेंट देखी है 3200 के आसपास जो है प्रति क्विंटल, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द मूव इज प्रॉब्ली कैप्चुलेटेड फॉर दिस शुगर सीजन। अगली सीजन में जैसे आई थिंक साइकिल टर्न होगा फॉर द बेटर, 2 साल का ऑन ऑफ पीरियड होता है, तो शुगर कंपनीज विल डेफिनेटली बेनिफिट, बट काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखना चाहिए शुगर स्पेस में। तो डेफिनेटली आई थिंक इन्वेस्टर्स होल्डिंग ऑन टू स्टॉक्स लाइक बलरामपुर चीनी या आंध्रा शुगर शुड कंटिन्यू होल्डिंग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्री स्पेस सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे साथ आशीष केलकर भी हैं टेक्निकल से बात करने के लिए। आशीष गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, इस स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद निफ्टी पे जो आपको लगभग 77-78 अंकों का मुनाफा मिल रहा है, समेटना चाहिए एक बार या फिर आप अभी होल्ड करेंगे अपने लॉन्ग ट्रेड्स को? मैं अभी निफ्टी के जो लॉन्ग ट्रेड्स है उनको होल्ड ही रखूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर निफ्टी आज 7550 को होल्ड करता है तो मैं ये चार्ट के ऊपर देख सकता हूं कि 7645 तक जाने की संभावना है निफ्टी की। तो मैं मेरी जो लॉन्ग पोजीशन है या जिनकी मार्केट में लॉन्ग पोजीशन है उनको ये सलाह दूंगा कि वो होल्ड करे पोजीशन। अगर दोपहर के सत्र तक इसके ऊपर ही टिका रहा तो ये डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, लेकिन अगर दोपहर के सत्र तक 7550 के नीचे अगर निफ्टी आता है तो हो सकता है कि 7480 तक नीचे फिसल सकता है निफ्टी, तो दोपहर तक होल्ड करें ऐसा मेरी सलाह हो। बिल्कुल। इस बीच चलिए एक बार फ्रंट लाइनर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर मूव जिस तरह का है, ICICI बैंक अब 3% ऊपर है, BPCL टॉप गेनर 4.5% ऊपर है, केन इंडिया ये भी करीब 3.25% ऊपर है, लेकिन क्लियर डिमार्केशन यहाँ पर जो बाकी स्टॉक्स हैं इवन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के उनमें और ICICI बैंक में देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक लीड करते हुए करीब 3% ऊपर इस समय। हालांकि जो मूडीज की खबरें आई थी वो थोड़ी मिक्स थी ICICI बैंक को लेकर, लेकिन हरी आपका व्यू क्या है विद इन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस? जैसे मैंने कहा था प्राइवेट बैंकिंग में दो स्टोरीज है, एक तो स्टॉक्स लाइक ICICI बैंक जो काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लगभग 360 से 180 तक करेक्ट हो चुका है, तो आई थिंक डेफिनेटली इसमें एक जैसे हम कहते हैं एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज शायद 180 के प्राइस में स्टॉक कुछ ज़्यादा ही अंडर प्राइस हो गया था, तो डेफिनेटली एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। बट जहाँ तक ICICI का सवाल है, डेफिनेटली आई थिंक वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कंसर्न अभी भी काफ़ी हाई है, तो आई थिंक आई वुड बी कॉशियस एट हायर लेवल्स। जहाँ तक प्रेफरेंस रहेगा मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा स्लाइटली स्मॉलर बैंक्स लाइक कोटक बैंक, येस बैंक, मेरे ख्याल से इन बैंक्स पे शायद ज़्यादा अर्निंग्स विजिबिलिटी है और आई वुड प्रेफर दिस काइंड ऑफ बैंक्स एट दिस लेवल्स। हरी, लार्ज कैप आईटी में आपका फ्लेवर क्या है या फिर आपका आउटलुक क्या है? अब जब चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, अभी इन्फोसिस को लेकर अगर आप देखें, एक हाउस व्यू आया भी था, उन्होंने कहा कि शायद ये नास्कॉम की जो गाइडेंस है उसको भी शायद अब ये बीट कर दें। लार्ज कैप आईटी पर इसको देखते हुए आपका आउटलुक क्या है? और अगर मैं एक दो टॉपिक इस सेक्टर से निकालनी हो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, एक्सेल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, आपका फ्लेवर क्या है? आप क्या किस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे? देखिए, हमारा पर्सनल फेवरेट काफ़ी महीनों से इन्फोसिस रहा है और हम मानते हैं कि यदि जो है ना विशाल सिक्का के जो ड्रीम है कि $20 billion बाय 2020, यदि ये अचीव होना है तो डेफिनेटली इन्फोसिस को नैसकॉम के गाइडेंस से ऊपर ग्रो होना पड़ेगा। और जिस तरह से कंपनी को स्ट्रक्चर किया गया, जिस तरह इनके हाई वैल्यू क्लाइंट्स के एडिशंस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली इनके टॉप लाइन और इनके मार्जिन पर काफ़ी फर्क पड़ सकता है। तो हमारा मानना है कि विद इन द आई टी स्पेस शायद एक रैंक आउट परफॉर्मर इन्फोसिस रह सकता है। इसके अलावा आई थिंक एट लोअर लेवल्स हमको टेक महिंद्रा अच्छा लगता है, अभी 450-460 के आसपास मेरे ख्याल से स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, अपने पीक से अराउंड 50-60% ये करेक्ट हो चुका है, तो हमें लगता है कि आई थिंक एट दीस लेवल्स प्रोबेबली टेक महिंद्रा इज अ गुड वैल्यू बाय फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बिल्कुल, 77 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, 7576 का लेवल है, आज का हाई जो है वो हालांकि 7583 का रहा है, इस पर नजर रखनी होगी ऑब्वियसली। लेकिन हमारे साथ आशीष केलकर भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, 7600 क्या रेडार पर रखना चाहिए आज ही आज के लिए ट्रेड में?
हाँ 7600 आज के रडार पर रखना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि अगर हम दोपहर के सत्र तक 7550 के ऊपर होल्ड करते हैं तो 7645 तक भी जाने की संभावना है निफ्टी में आज, लेकिन अगर दोपहर तक इसके ऊपर हम नहीं टिकते तो 7480 तक भी नीचे फिसल सकते हैं, तो थोड़ा होल्ड करें यहाँ पे और एक डेढ़ घंटा इसको वॉच करें, लेकिन हम अगर 7550 के ऊपर रहेंगे तो डेफिनेटली टेस्ट कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, देखिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों ही इंडस्ट्रीज में आपको बताता हूँ मैं, निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई है 7582 इंट्राडे हाई है, और बैंक निफ्टी का आज इंट्राडे हाई है, थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ आपको, करीब करीब 15664 का, और दोनों ही इंडस्ट्रीज पर ये है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी शिवरिंग मिहिर वो घबराहट उस क्रिटिकल एवरेज पार को पार करने की अगर आप देखिए दोनों ही इंडस्ट्रीज पे है, और देखिए यहाँ पर जो आके ना बाजार बढ़ जाता है 15700 के पार गया एक बार बैंक निफ्टी, टिका नहीं ये पूरा, ये पूरा जो जोन है ना वो 100 डीमा का है बिल्कुल, तो वहां पे आके जो बाजार होता है ना वो मैंडेट इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक बाजार को मैंडेट मिल नहीं पाया, लेकिन एक चीज अच्छी हो रही है इसमें, आप देखिए कि रघुराम राजन के लिए एक आइडियल स्टेज सेट हो रहा है जिसमें वो चाहे तो देखिए, अगर यूएस में अगर वो टिके रहते अपने 4 रेट हाइक के अनुमान पे तो थोड़ा प्रेशर रहता राजन पर कि यार वो गैप बढ़ जाएगा, लेकिन अब इनके पास रूम अच्छा खासा है, हमने महंगाई दर का आंकड़ा देखा, हमने आईपी के फिगर्स को देखा, जो बाकी मैक्रो डेटा है वो भी सपोर्ट कर रहा है, आज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने फिर से एक बार कहा है कि मिस्टर राजन के पास गुंजाइश है रेट कट करने के लिए, ये सारी चीजें इंडिकेट उसी डायरेक्शन में हो रही है कि अगर बैंक निफ्टी चाहे तो यहाँ से और एक्सपर्ट और अच्छा खासा साइजेबल स्पर्ट ये क्रिएट कर सकता है इंडेक्स में। अब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो रेट हाइक रेट कट के पहले करे बाद में करे, 100 डे में इंतजार कर रहा है राजन साहब बिल्कुल, राजन साहब का इंतजार कर रहा है। हरी आपको क्या लगता है, आई मीन चलिए थोड़ा सा इसी पे फोकस कर लेते हैं, ये हमारा पोल भी आप देख रहे हैं, अब राजन साहब जो वही करेंगे जो बाजार सोच रहा है 25 बेसिस पॉइंट, वो तो हमने खुद ही मान के सोच लिया है, वो मान के चल रहे हैं, वही करेंगे या फिर उससे कुछ ज्यादा भी कर सकते हैं। आई मीन जो मिहिर ने भी सीरीज कोट करी, आप ये देखिए उसमें मैं दो चीजें और जोड़ देता हूं, इकोनॉमिक सर्वे जो उसमें सीपीआई का आउटलुक था दैट इज 4.5 to 5.5 ट्रेजेक्ट्री, उसके बाद सीपीआई डब्ल्यूपीआई के आंकड़े, उसके बाद आपके आईपी के आंकड़े जहां पे कैपिटल गुड्स की, जहां पे माइनिंग की, जहां पे अगर आप देखें तो स्थिति बहुत खराब है, और उसके बाद यूएस फेड का ये एक्शन, अब मिस्टर गवर्नर क्या करेंगे? देखिए मेरा जहाँ तक मानना है 25 बेसिस पॉइंट्स लगभग फैक्टर हो चुका है मार्केट्स में, तो मेरे ख्याल से देन दैट इज समथिंग दैट इज कमिंग। सवाल यह है कि क्या 50 बेसिस पॉइंट्स करेंगे जैसे सितंबर में उन्होंने किया था, यू नो मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद की जा रही थी और उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट्स किया। मेरे ख्याल से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बनता है 50 बेसिस पॉइंट्स करने के लिए, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बात तो आपने देखा कि सीपीआई इन्फ्लेशन 5.18% आया एज कम्पेयर टू 5.69 जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, और विद इन इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक घटा है, तो आई थिंक ये आरबीआई के लिए एक बहुत पॉजिटिव है। दूसरी बात आपने देखा आईपी नंबर केम एट -1.5 अगेंस्ट -1.2%, ये भी एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है रेट कट के लिए। कल हमने देखा यूएस का फेड ने अपना यू नो रेट को भी 0.25 to 0.5 के रेंज में रखा है, और प्लस उनका जो गाइडेंस है वो भी लिक्विड भी है और डविश भी है। बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखने की बात की है, मेरे ख्याल से इससे क्या होगा कि आरबीआई का कॉन्फिडेंस मिलेगा, और मैं मानता हूँ कि इस कॉन्फिडेंस की बदौलत there is a high probability, I won't say with certainty, but high probability that the RBI may cut 50 basis points instead of 25 basis points. बिल्कुल, एक अच्छी चीज coming back to index जो आज देखने को मिल रही है market में, आप देखिए 83 points ऊपर निफ्टी है, 7582 का नया high, intraday high इसने अभी hit किया है, एंड अपार्ट फ्रॉम बैंक्स लुक एट पार्टिसिपेशन, जो बाकी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है तो बीपीसीएल तो ऊपर है ही, हमने केन इंडिया में तेजी देखी है, बदानी पोर्ट पिकअप करते हुए 3% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, गेल में 3% का मूव हम देख रहे हैं, बाकी काउंटर्स जिसमें अच्छा मूव है इसमें ONGC 2% ऊपर है, HDFC 2% ऊपर है, भारती एयरटेल 2% ऊपर है, SBI ऑब्वियसली 2%, L&T, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL 1% ऊपर है। अगर आप इंट्राडे देखेंगे HUL ने तो बहुत अच्छा मूव क्रिएट किया है, ये जब खुला था बिल्कुल फ्लैट खुला था, 20 पैसे नीचे था शायद, नाउ लुक एट द मूव, ये भी इंट्राडे। MNM 1% ऊपर,
एशियन पेंट्स 1% ऊपर, बॉश 1% ऊपर, एचडीएफसी बैंक में अच्छा मूव है. सो ये एक यूनिफॉर्म और कंसोलिडेटेड एफर्ट मार्केट का, सारे ही स्टॉक्स की तरफ से जिस तरह का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है. लुक एट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, दे आर वो सारे ना इस समय एक्चुअली इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं. ये एक बहुत अच्छा संकेत बनता है. सो आशीष, इनफैक्ट चांसेस आर जो आप कह रहे थे कि ये 7600 के ऊपर अगर इंट्राडे बेसिस पे निकल गया तो इंट्राडे में वन शुड प्रिपेयर फॉर मे बी 7640, उसकी संभावना एटलीस्ट. यस, जिस तरह से मोमेंटम दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर, तो जो अगला लेवल चार्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो है 7645 का. तो ये मोमेंटम अगर जारी रहा तो डेफिनेटली 7645 तक हम जा सकते हैं. चलिए इस बीच थोड़ा सा मैं चलता हूँ छोटे स्टॉक्स में, छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में, और वहाँ देखता हूँ किन किन स्टॉक्स ने हलचल मचा के रखी हुई है. आप देखिए एक रोहित फेरो, छोटा स्टॉक है लेकिन इनफैक्ट ठीक ठाक मूव है यहाँ पर. इन्फिनिटी कंप्यूटर्स आज हमारा स्टॉक ऑफ द डे. फिर आप देखिए इसमें ये कैसा स्टॉक है जो कि अब तक डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन याद रखिए जब चलता है तो खूब दबा के चलता है. उसके बाद आप देखिए आलोक इंडस्ट्रीज, इसका जिक्र मैं कर ही चुका हूँ बहुत बार, दोबारा जिक्र नहीं करूँगा. और छोटे वॉल्यूम्स, छोटे स्टॉक्स में जो वॉल्यूम्स अपनी तरफ खींच रहे हैं वो है सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स, ये करीब 5.5% ऊपर कारोबार कर रहा है. एम टी एडुक्योर को देखिए 165 के स्तर पे 8 रुपये की तेज़ी लेकर ये भी ऑलमोस्ट फरवरी और मार्च के हाइज पर आ चुका है. तो यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी है. एम टी एडुक्योर पर आपकी राय आशीष? एमटी एडुकेयर ये जो स्टॉक है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा था और ये आज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलने की संभावना है. तो यहाँ पे जिस तरह से मोमेंटम आया है तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी. जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करके रखे इस स्टॉक को. और मैं ये मानता हूँ कि ये स्टॉक जो अगला लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 172 का. 172 के ऊपर वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए क्योंकि अगला टारगेट जो है वो बहुत ही लुक्रेटिव होगा 172 के ऊपर, जो होगा करीबन 197 तक का. तो जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें, जिनके पास ये स्टॉक नहीं है अभी खरीदारी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस डिप डाउन सजेस्ट करूंगा और वो स्टॉप लॉस अभी के लिए होगा 160. बिल्कुल. इस बीच चलिए यहाँ पर अब वक्त है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का. तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं. जब से विजय माल्या देश छोड़ के भागे हैं तब से तरुण काफी व्यस्त हैं क्योंकि वो लगातार नजर रखे हुए हैं जिस तरह की जांच चल रही है उस पर. लेकिन एक इंटरेस्टिंग न्यूज है इनके पास, वो ये है कि क्या पता शायद सेबी ने भी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं सहायता कर दी हो जिस तरह से विजय माल्या निकल चुके हैं देश से. क्योंकि कुछ बहुत पुरानी फाइंडिंग्स निकल कर जो आई है 2008-2009 की, उससे ये क्लियर इंडिकेशन है कि उस समय भी कुछ हद तक नॉट ओनली मनी लॉन्ड्रिंग बल्कि एक डाउन ट्रिप हो सकता था उस समय यूएसएल के सामने, लेकिन वो कुछ हद तक इग्नोर हुआ शायद. तरुण बताइए. बिल्कुल मिहिर, मैं बताना चाहूँगा कि 2009 में FSA जो यूके का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है उसने सेबी को अलर्ट किया था कि विजय माल्या ने 24 मई 2007 को 633,333 शेयर खरीदे हैं और 408,333 शेयर बेचे हैं. और जो बैंक अकाउंट्स जो यूज़ हुए हैं वो 6 बैंक अकाउंट्स यूज़ हुए हैं, UBS अभी के साथ साझा की थी, लेकिन 7 साल बाद भी सेबी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया. राउंड ट्रिपिंग के मामले में सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई अभी तक सेबी ने करी है, वो है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, जिस पे उन्होंने 50 करोड़ का कंसेंट देके वो निकल गए थे. लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट एक और है कि ये केस जब बॉम्बे हाई कोर्ट में आया तो सेबी ने अपने एफिडेविट में कहा कि हमारे पास FSA ने केवल ADAG ग्रुप का अलर्ट जारी किया था, उसके सिवा किसी कंपनी या किसी कॉर्पोरेट्स के खिलाफ ये अलर्ट जारी नहीं हुआ था. लेकिन जब RTI डाला गया इस पूरे मामले में तो सामने निकल कर आया कि सेबी इस तरह के कई और मामलों की भी जांच कर रही है. तो क्या सेबी ने एफिडेविट जो फाइल किया बॉम्बे हाईकोर्ट में वो एक गलत एफिडेविट था या ये जो जानकारी है वो उसमें छुपाई गई? साथ ही जब बॉम्बे हाईकोर्ट में जो रिट पिटिशन फाइल हुई थी उसको जब विड्रॉ किया गया तब भी ये सेबी ने माना कि हम इसकी अब जांच कर रहे हैं इसलिए इस रिट पिटिशन की अब कोई जरूरत नहीं है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस चीज़ को अलाउ भी किया. तो ये और जो इंटरनल रिपोर्टिंग है सेबी की माल्या के बारे में 2009 में भी FSA को ने अलर्ट जारी किया था और सेबी ने उस पर एक्ट नहीं किया.
अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस पूरे मामले को देख रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और पैसा जो है कि यूके गया हुआ है और विजय माल्या खुद भी इस समय लंदन में है, तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि किस तरीके का आगे ये रूप लेगा और हो सकता है कि सेबी ऑफिशियल्स से भी पूछताछ हो कि क्यों इस पूरे मामले को छुपाया गया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ ये जो पेपर है वो साझा नहीं किया। लेकिन ये इंटरेस्टिंग डेटा है तरुण, और इनफैक्ट ये जो खाते आप बता रहे हैं जिसके जरिए, जो आप इस समय स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि जिनके जरिए शायद ये हुआ हो सकता है, तो क्या अब एटलीस्ट से भी, क्योंकि सारी जांच एजेंसी सडनली बहुत एक्टिव हैं इस पूरे इशू पे, अब कुछ एक्शन ले सकती है क्या इस पे? आपकी बात हुई है सोर्सेज से, क्या कह रहे हैं क्विकली? बिल्कुल सेबी इस पूरे मामले में हो सकता है अब एक्टिवनेस दिखाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का भी रेगुलेटर पे नज़र है कि क्या रेगुलेटरी जो हैं, चाहे आरबीआई हो चाहे सेबी हो, क्या उन्होंने तो कहीं इनको सपोर्ट नहीं किया। और जो ये पूरा मामला है इसमें पार्टी जो बनाया गया था वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को बनाया गया था, SFIO को बनाया गया था, तो लिहाजा अब हम देख सकते हैं कि इसमें एक एक्टिवनेस इस पूरे केस में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुक्रिया तरुण, लेकिन नजर रखिएगा इस खबर पर। आज तो वैसे खैर माल्या साहब के लिए और एक किंगफिशर हाउस की आज नीलामी है बैंकों का जो कंसोर्टियम, उसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज भी है। एक तो हाउस की नीलामी हो रही है, लेकिन साथ ही हाउस के अंदर जो जो चीजें हैं, चाहे वो कुर्सी हो, पता नहीं है क्या अंदर एक्चुअली, तो लेकिन चाहे वो कल जितनी भी चीजें हैं सबकी नीलामी हो रही है अगर कुछ है अंदर। साम्राज्य के पतन का आज प्रतीक है किंगफिशर हाउस। अच्छा एक चीज बताइए, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, अगर विजय माल्या भारत आए तो उसके बाद वो सबसे पहला काम कौन करेंगे, क्या करेंगे बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे तो यही नहीं लगता कि फिलहाल वो भारत आएंगे। अभी एक कोई मेरे को फेसबुक पे लिख रहा था कि विजय माल्या जब भारत आएंगे तो सबसे पहला वो जो काम वो करेंगे वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मैं इसमें अपना खाता खुलवाएं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ कि क्योंकि मैं जब पहले एविएशन कवर करता था, डिलीवरी इन्होंने ली थी पेरिस में, टूलूज में, तो वहां पर मैं था उस समय इनका एक नियम था कि जो भी किंगफिशर एयरलाइंस का नया एयरक्राफ्ट भारत आता था वो सबसे पहले उसकी फ्लाइट होती थी बैंगलोर से चेन्नई, और उसमें रास्ते में तिरुपति का टेम्पल आता है, तो वहां पर इनकी फ्लाइट जो होती थी नया एयरक्राफ्ट, खाली एयरक्राफ्ट, वो एक सर्कल करता था तिरुपति के टेम्पल को और फिर जाके आगे लैंड करता था। मुझे लगता है आप माल्या जी शायद वो मुझे याद है आपकी एक फोटो एयरबस 380 में आप विजय माल्या के साथ आपने जब आया था तो सफर थोड़ा ये भी कहीं जाके जवाब देना पड़ा। ओके ओके, जिस तरह से जांच चल रही है आजकल जी के लिए, इनफैक्ट अगर आप देखिए विजय माल्या जी की बात हुई है तो शायद विजय माल्या जी को और एविएशन को आप हटा के नहीं देख सकते। सुप्रा बहुत संक्षेप में, इनफैक्ट हरी माफ कीजिएगा, बहुत संक्षेप में एविएशन स्टॉक्स आई थिंक अब तय करना बहुत मुश्किल हो गया कि यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स हम खड़े रहने दें या फिर समेट के उनको कैश में कन्वर्ट कर लें। अगर आप प्रॉफिट लेके बैठे हैं हरी, तो आप क्या करेंगे इन स्टॉक्स में? नहीं, मैं मानता हूँ कि जो एविएशन में एक अपसाइड आना था वो शायद से आ चुका है, फिर वो जेट हो, इंडिगो हो या स्पाइस जेट हो, ये जो लो एविएशन फ्यूल की जो बात हो रही है, जो बेनिफिट मिला है, आई थिंक वो काफ़ी हद तक बजट में जा चुका है, और यहाँ से आई थिंक सिग्नल एकदम क्लियर है कि यदि कोई बेनिफिट मिले तो गवर्नमेंट विल टेक दैट बेनिफिट अवे, तो आई डोंट थिंक यहाँ से एयरलाइन कंपनीज को ज़्यादा फायदा होने वाला है। हाँ, डेफिनेटली एक लार्जर मार्केट का फायदा होगा, बट आई थिंक जब तक प्राइसेस लो रहेंगे, जब तक ETF प्राइसेस हाई रहेगा, आई डोंट थिंक एविएशन स्टॉक्स पे कोई ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद कर सकते, तो आई वुड बिलीव दैट रियली आप प्रॉफिट्स निकाल लेना चाहिए। जी, इस बीच अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इस वक्त डे हाई की ट्रेजिक्ट्री के बेहद नज़दीक कारोबार कर रहा है। निफ्टी का स्तर आपकी स्क्रीन पर लगभग 1% ऊपर 7578। स्टॉक्स जो कि तेजी दिखा रहे हैं वो भी अच्छे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स में 3 लाख शेयर जुड़े हैं, दैट मीन्स काफ़ी फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप अभी भी अगर आप देखें खड़ा हुआ है, लेकिन देखिए जो चीज़ स्ट्राइक कर रही है वो है कॉल्स। 2,90,000 मैं मान के चल सकता हूँ कि स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल जो है, इनफैक्ट एट द मनी कॉल माफ कीजिएगा, 7600 की वो ऐड कर रही है। 7700 की कॉल में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग है और 7800 की कॉल में 2 लाख शेयर, ये तो स्टैटिस्टिक्स ठीक है, लेकिन एक कॉल से ज़्यादा प्रॉमिसिंग डेटा इस वक्त है पुट्स का। माफ कीजिएगा, देखिए जिस प्रकार की पुट राइटिंग हो रही है, अब आप देखिए 7500 के पुट में 4.5 लाख, 74 की पुट में 2 लाख और 7600 के पुट में यानी इन द मनी पुट में 6.25 लाख। हरी, अभी आप ज़्यादा कंफर्टेबल किस में हैं? यू विल बाय 7800, 7700, 7600 कॉल ऑप्शन, rather you will write a put at 7500, 7400?
नहीं देखिए, यहाँ से हम लोग तो बुलिश हैं, और जब हम बुलिश होते हैं तो पुट राइट करने में कोई मतलब बनता नहीं है, बिकॉज माय रिस्क इज इनऑर्डिनेटली हाई कंपेयर टू माय रिटर्न. तो हम तो डेफिनेटली प्रेफर करेंगे कि कॉल खरीदें, बट मैं मानता हूँ कि मैं मार्च का कॉल नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अप्रैल 5th को एक पॉलिसी मीटर है. तो आई थिंक टू राइड ऑन दैट लॉजिक, इंस्टेड ऑफ बाइंग यू नो मार्च कॉल, मैं अप्रैल का कॉल खरीदना चाहूंगा. और डेफिनेटली अप्रैल में 7,700 या 7,800 का कॉल खरीद सकते हैं, बिकॉज बींग आउट ऑफ द मनी आपको शायद एक अच्छा रेट भी मिल सकता है, बट डेफिनेटली मैं पुट राइटिंग तो नहीं करूंगा जी. चलिए, इस बीच कुछ कॉल्स भी देख लेते हैं जो आज हमने बाजार खुलने से पहले दी थी आपको. और वैसे तो हमारी कोशिश यही होती है कि उन कॉल्स को देखें जहां पर अच्छा मुनाफा हो, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स पर सलाह थी हमारी तरफ से, वहां पर टारगेट ऑलरेडी हिट होते हुए, और केन इंडिया पर भी इंटरडे बेसिस पे बाई की सलाह थी, यहाँ पर भी टारगेट हिट हुआ है 3.25% ऊपर. और काउंटर्स कुछ एक जहाँ पर टारगेट हिट हुआ है उनको भी देख लेते हैं, जहाँ पर अच्छी मजबूती है. HPCL और सेल, यहाँ पर खरीदारी की सलाह थी, यहाँ पर भी टारगेट हिट होते हुए. ऑब्वियसली क्रूड का मूव और मेटल स्पेस की खबर, इसका सीधा इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर देखने को मिला है. और साथ ही ऑब्वियसली स्टॉक ऑफ द डे शेयर आपके बजट में, इस पर आप नज़र रख सकते हैं. आज स्टॉक ऑफ द डे था इन्फाइनाइट कंप्यूटर्स, 10.25% ऊपर अभी भी 222 के लेवल पर ये ट्रेड करते हुए. और साथ ही शेयर आपके बजट में रोल्टा इंडिया, ये भी करीब 5% ऊपर इस समय होल्ड करते हुए नज़र. और एक चीज़ अगर आप देखें, इनफैक्ट आज के बाजार में जो चीज़ मायूस करने वाली है कि बाजार ने जिस तरीके से अगर आप देखें फेड के फैसले को सलामी दी है, बाजार तेज है, बैंक्स तेज हैं, मेटल तेज हैं, एक स्पेस देखिए मीर आप, जिसमें कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी काफ़ी लोअर लेवल पे है. लुक एट फार्मा, फार्मा को देखिए, आई मीन इस बात को लेकर और ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि इस स्पेस में लोगों ने पैसा कमाया है, भरोसे के साथ कमाया है, लेकिन सडनली एक ऐसा इशू जो कि कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, जो कि सेक्टर स्पेसिफिक है, लेकिन जिस पर भारतीय रेगुलेटर का कोई जोर नहीं है, सरकार का कोई जोर नहीं है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से आप अगेंस्ट, अगर आप देखें USFDA के खड़े हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस अगर आप देखें शेखर दिहारी, आई थिंक मान लीजिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो अभी USFDA और ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसमें कोई तालमेल नहीं आ रहा है, रोज बरोज एक अलर्ट, एक प्लांट को लेकर ऑब्जेक्शन, अब एज ए इन्वेस्टर आपको करना क्या चाहिए? आई मीन ये चीज़ें आपको काफ़ी प्रभावित करती हैं, आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी प्रभावित करती हैं. आप सुबह उठिए, सडनली आपका एक स्टॉक जो है वो 15% के लॉसेस में खड़ा है, जो 15% का प्रॉफिट आपने बीते एक साल में कमाया था. आप एज ए इन्वेस्टर क्या करेंगे यहाँ पर फार्मा शेयरों में? देखिए, हम लोग पिछले 2-3 महीने से फार्मा पे कॉशन एडवाइस कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि अगला जो एक साल रहेगा वो शायद फार्मा के लिए अच्छा नहीं रहेगा. इसके दो कारण हैं. पहली बात तो ये कि आपने कहा कि USFDA का जो दिन ब दिन एक नया इन्वेस्टिगेशन आ जाता है किसी एक फैक्ट्री पे, आई थिंक इससे एक काफ़ी हद तक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है. पर आई थिंक द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के चेयरमैन ने परसों कहा था कि ये जो नया पेटेंट पॉलिसी आ रहा है इससे लगभग 10,000 करोड़ का घाटा हो सकता है फार्मा इंडस्ट्री को. आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है. फिलहाल हो क्या रहा है कि US और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से काफ़ी प्रेशर इंडिया पे आ रहा है कि अपने पेटेंट रिजीम को मॉडिफाई करें, और यदि हम ये इस वक्त मॉडिफाई करते हैं तो इसका बहुत बड़ा झटका फार्मा इंडस्ट्री को लग सकता है. तो आई बिलीव दैट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे तो फार्मा इंडस्ट्री पे ओवरऑल व्यू नेगेटिव लग रहा है, और मैं कहूँगा कि यदि आप फार्मा पे एक्सपोज्ड हैं तो फिलहाल के लिए आप बाहर निकल के आ जाइए. बिल्कुल, तो यहाँ से बाहर निकलना ही फिलहाल ठीक होगा. लेकिन निफ्टी स्ट्रगल तो कर रहा है, 7585 तक गया, फिर वहाँ से वापस घुमा, कुछ हद तक स्ट्रगल डेफिनेटली कर रहा है. लेकिन हाँ, जो 7600 है वो रडार पे रहेगा, और उसमें आई थिंक अगर यूरोप की ओपनिंग ठीक ठाक हो गई, स्ट्रांग रहा है, क्योंकि कल मिक्स था. आज सुबह हमने क्या कमेंट्री दी थी मीर, आज सुबह जो हमने कमेंट्री दी थी निफ्टी पर कि खुलते ही साथ एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और वो तो अब तक कम से कम आप देखें ठीक हुआ है, खुलते ही बुक कर लीजिए, आधा मुनाफा समेट लीजिए, और फिर आप इंतजार करिए एग्जैक्टली वही बात का कि यूरोप कैसे खुलता है. निफ्टी अभी भी अगर 7550 को होल्ड कर रहा है, 7530 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देन यू कैन ऐड, आप कल के लिए कैरी करिए, लेकिन शुरुआत में एक बार, लेकिन एक बार ही निकल गया अगर 7600 के ऊपर, तो वो जो सो कॉल्ड कॉशियस लोग थे वो फिर जब आना शुरू करेंगे ना, बिकॉज़ वो हर्ड मेंटालिटी वाला फैक्टर भी है. तो आई मीन मैं शुरू करेंगे टेक्निकल्स देख रहा था, तो मजा आएगा. टेक्निकल्स देख रहा था और डेरिवेटिव्स देख रहा था. याद रखिए 7580 और 7008 ये 100 डेमा और 200 डेमा के बीच की रेंज है. चाहे मानिए चाहे नहीं मानिए, हिस्टोरिकली इतिहास में कभी भी चार्ट उठा के देख लीजिए,
इस रेंज को ट्रेड करना सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सबसे मुश्किल काम। बिल्कुल, आप जिस दिन सोचेंगे आज मुनाफा कमा के निकलूंगा, आप लॉस बुक करके निकलेंगे। जिस दिन आप कल भी हमने देखा था कहां 7400 लग रहा था, तो ये दुनिया की सबसे मुश्किल रेंज ट्रेड करने के लिए। लेकिन आप इसमें दूसरा एक आसान तरीका भी है, अगर ये सब करना मुश्किल है तो सबसे आसान चीज है आप जी बिजनेस देखिए, कमाई के मौके देखिए और देख लीजिए आज के मौके कौन कौन से थे, देख लेते हैं। आज का जो मेरा स्टॉक वीडियो का इनफिनाइट कंप्यूटर होगा, इसमें आपको 220 रुपए का लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफिनाइट कंप्यूटर्स करीब 11%, तो जो टारगेट इस पर दिया गया था वो हिट हो चुका है। जो टारगेट यहाँ पर था वो 220 का था, उसे सरपास करके उसके ऊपर होल्ड करते हुए। मेरा जिस शेयर को चुना है वो आईटी स्पेस से ही है, मेडिकल आईटी के आज का फ्लेवर है और कंपनी का नाम है रोल्टा। रोल्टा इंडिया आज शेयर आपके बजट में रेकमेंडेशन के साथ इस समय 5% से ज्यादा की तेजी, 7860 का लेवल। कमाई के मौके अक्सर जी बिजनेस पर 70 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 7568।